भारत के लिए अच्छी खबर आ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है। कच्चे तेल का भाव 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवीय और आप देख रहे हैं बिस्तर। ब्रेंट क्रूड का भाव $72 प्रति बैरल पर आ गया है। दिसंबर 2023 के बाद ब्रेंट क्रूड का सबसे कम भाव है। पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल का भाव 7% गिरा है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भारत के लिए अच्छी खबर है। इसके पीछे बड़ी वजह, भारत अपनी जरूरत का 80% तक तेल इंपोर्ट करता है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के चलते भारत पर नेगेटिव असर आता है। इससे कंपनियों में मार्जिन और आम आदमी के खर्च से सीधा लिंक है। महंगे पेट्रोल और डीजल से कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। इसका सीधा असर मुनाफे पर आता है। वहीं आम आदमी के लिए आना जाना महंगा हो जाता है। रोजमर्रा के सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होती है, क्योंकि सामान की आवाजाही के लिए ज्यादा माल भाड़ा चुकाना पड़ता है। लेकिन कच्चे तेल में नरमी राहत की बात है। इससे तेल मार्केटिंग कंपनियों की भी चांदी होने वाली है। तेल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन अब बढ़ सकते हैं। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कच्चे तेल की कीमतें गिरने से बड़ा फायदा हो सकता है। एक तिमाही में HPCL करीब 60 लाख टन कच्चे तेल को रिफाइन करती है और करीब 1.25 करोड़ टन की मार्केटिंग करती है। इस तरह से HPCL का रिफाइनिंग टू मार्केटिंग रेशियो करीब 45% है। कच्चे तेल की कीमतों में अगर $2 की कमी आती है तो मार्केटिंग एबिटा पर करीब 1,500 करोड़ रुपए का फायदा होता है। Q1 HPCL का मार्केटिंग मार्जिन पेट्रोल पर 4.7 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3.80 रुपए प्रति लीटर रहा था, जो अगस्त में पेट्रोल पर बढ़कर 9.3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 7.60 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। आने वाले समय में HPCL का पेट्रोल पर मार्जिन 14 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। यानी HPCL के निवेशकों के लिए ये अच्छा है। कच्चे तेल के दाम गिरने से HPCL को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। वही ONGC और ऑयल इंडिया जैसे एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों के लिए बड़ी रिस्क पैदा करती है। नुवामा रिसर्च के मुताबिक ऑयल इंडिया और ONGC वर्तमान में नो विन सिचुएशन में है, जहां उनकी आय काफी हद तक सीमित है। इसके पीछे सरकार का विंडफॉल टैक्स बड़ा कारण है, जो कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से ज्यादा होने पर हाई रेट से लगाया जाता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से ऊपर जाती है तो इन कंपनियों के लिए सेल्स रेवेन्यू उस कीमत पर सीमित हो जाती है। इसके उलट अगर तेल की कीमतें इस सीमा से नीचे गिरती है तो उनकी आय जोखिम में रहती है, क्योंकि बाजार में भी सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सस्ता कच्चा तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए तो फायदेमंद होता है, लेकिन जो कंपनियां तेल प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन के काम में हैं उनके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही कच्ची तेल की कीमतों में उछाल आता है सरकार विंडफॉल टैक्स लगा देती है। यही वजह है कि बुधवार को HPCL में तेज खरीदारी देखने को मिली। HPCL का शेयर करीब 4.5% की बढ़त के साथ 445 रुपए पर बंद हुआ। ये खबर आपके लिए संदीप शर्मा ने लिखी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तर के साथ बने रहिए। बिस्तर आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तर के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।